फिजिस्ट ऑफ द डे सीरीज में जो आज के हमारे फिजिसिस्ट हैं उनका नाम है केमरलिंग ऑन्स। तो केमरलिंग ऑन्स साहब जो थे उन्होंने क्या किया था ये मैं आपको बताता हूं, क्योंकि ये नाम आप लोगों ने नहीं सुना होगा और कहानी बड़ी इंटरेस्टिंग है। इन्होंने 1908 में आज ही के दिन इन्होंने लिक्विड हीलियम को बनाया था, यानी कि पहली बार किसी ने हीलियम को लिक्विफाई किया था और वो भी इतने कम टेम्परेचर पे, दैट इज 4.2 केल्विन पे। अगर हम लोग इसको डिग्री सेल्सियस में देखें तो यानी कि -269 डिग्री सेल्सियस एब्सोल्यूट टेम्परेचर पे अगर देखा जाए सिर्फ 4 डिग्री ऊपर, यानी कि एकदम ठंड का आप सोचिए कितना ठंड करके जो है मतलब उसको लिक्विफाई करा हीलियम को। और इसके लिए उनको जो है 1913 में नोबेल प्राइज भी मिला। तो हमारे जो आज के फिजिस्ट हैं उनका नाम है केमरलिंग ऑन्स और आज ही के दिन पहली बार लिक्विड हीलियम बनी थी। पहली बार जो लिक्विड हीलियम बनी तो उसका जो वॉल्यूम उन्होंने बनाया था वो बनाया था 60 क्यूबिक सेंटीमीटर, यानी कि 60 क्यूबिक सेंटीमीटर जो है उन्होंने पहली बार